यूपी का मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर है, यूएन की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख है। ध्वनि प्रदूषण की लिस्ट में बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम पहले स्थान पर है, जिसका सर्वोत्तम 119 डेसिबल है। ढाका और मुरादाबाद के बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर 105 डेसिबल के साथ इस्लामाबाद है। इस लिस्ट में दक्षिण एशिया के कुल 13 शहरों के नाम दर्ज हैं, जिसमें 5 शहर भारत के भी हैं। मुरादाबाद के अलावा कोलकाता, पश्चिम बंगाल का आसनसोल, जयपुर और राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। बता दें कि 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1999 की गाइडलाइन में रिहायशी इलाकों के लिए 55 डेसिबल की सिफारिश की थी, जबकि ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर्स के लिए इसकी लिमिट 70 डेसिबल निर्धारित की गई थी। यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने कहा कि ये उच्च गुणवत्ता वाली नींद पर बुरा असर डालकर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, इससे कई जानवरों की प्रजातियों के संचार और उनके सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। एक आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस ने साल 2021 में ध्वनि प्रदूषण के 14,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें शादियों में 10 बजे के बाद बजने वाले लाउड म्यूजिक से जुड़ी है।